ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप कोई से भी एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं और या फिर आप अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। आज हम बात करते हैं कि 21 अक्टूबर 1520 में क्या हुआ था, कैसे पैसिफिक ओशन का नाम पैसिफिक ओशन पड़ा, इसकी खोज किसने की, और अगर हमने अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, वो कौन सा स्ट्रेट है और उसकी खोज किसने की। इन सब चीज़ों के जानने के लिए पहले हम बात करेंगे एक शख्स की जिसका नाम है फर्डिनेंड मैगेलन। ये एक पुर्तगाल था, 15वीं सेंचुरी में घूमने निकले थे और पूछो मत कितना घूमा, शायद ही कोई इतना घूमा होगा जिसने नाव से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया हो। मैगेलन नेवी में ऑफिसर थे, समुद्री रास्तों के मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट थे और इसीलिए स्पेन के राजा ने उन्हें चुना था मलुका आइलैंड भेजने के लिए। ये जगह तैमूर के पास है जहाँ ढेरों ऐसे मसाले होते हैं जो दूसरी जगहों में आसानी से नहीं मिल पाते थे। सबसे पहले पैसिफिक ओशन का नाम मेलिंगन ने पीसफुल सी रखा था क्योंकि वो बहुत ही शांत थी। इसके बाद उसका नाम पीसफुल सी से पैसिफिक हो गया। इन्होंने अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन तीन ओशन से होते हुए अपना सफ़र पूरा किया था। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जा सकते हैं, उसका रास्ता भी किसने खोजा। मैगेलन ने ही उसका रास्ता खोजा और उसको नाम उसके रास्ते को नाम दिया गया द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, जो कि साउथ अमेरिका में है। ये चील और अर्जेंटीना दोनों की बाउंड्री को टच करता है। उनको 38 डेज लगे उस स्ट्रेट को पार करने के। जब उन्होंने द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन पास किया तो वो एक ओशन में जाकर पहुँचे जिस ओशन का नाम उन्होंने पीसफुल सी रखा और बाद में उसका ही नाम पैसिफिक बन गया। उनको पूरे 99 डेज लगे स्पेन से वहाँ तक आने के लिए। ये जानते हैं उन्होंने और कौन कौन सी खोजें की। उन्होंने समुद्री रास्ते से कैसे हम इंडोनेशिया के एक आइसलैंड जिसका नाम था मुलुको आइसलैंड वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो उन्होंने वो एक वेस्टर्न सी रूट ढूँढा। 6 मार्च 1521 में वो गॉम एक आइसलैंड है वहाँ पर पहुँचे। ये पहले स्पेनिश के अधीन था, बाद में जब स्पेनिश और यूएसए के बीच में युद्ध हुआ तो इस पर यूएसए ने इसे कैप्चर कर लिया। 21 जून 1898, 10 दिन बाद 16 मार्च को वो फिलीपीन के आइसलैंड सोबू में पहुँचे जो कि 400 मील दूर था किसके, स्पाइस आइसलैंड के। वहाँ पर मैगेलन सेबू के प्रमुख से मिले जिसने ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के बाद यूरोपीय लोगों को मना लिया ताकि वह पड़ोसी द्वीप मैकटेन पर एक प्रतिद्वंदी जनजाति को जीतने में उनकी सहायता कर सके। इसी में 27 अप्रैल को मैगेलन जहरीले तीर के लगने से मर गई। मैगेलन की मृत्यु के बाद जीवित बचे लोग 2 जहाज़ों में से वहां से रवाना हुए। उसमें से एक जहाज ही सफल रहा जो कि हिंद महासागर के पार होता 19 मई 1522 को कैप ऑफ गुड होप को पार करके। इसके बाद वह 6 सितंबर 1522 को सानुलेक डी बर्मेडा के स्पेनिश बंदरगाह पर पहुंचे, जो दुनिया को प्रसारित करने वाला पहला जहाज बन गया। विक्टोरिया
एक पहली ऐसी शिप बन गई जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। आइए कुछ और बातें जानते हैं मैगलन के बारे में। ये 1505 में पहले पुर्तगाल भारत में वायसराय बनाया गया था। ये करीब 8 साल तक भारत में रहे थे, गोवा, कोची और कोलम में। इसके बाद मैगलन ने मलयान जाकर वहाँ अपनी कॉलोनी बनाई। तो आइए कुछ इस एंड में हम कुछ ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें स्टडी की। द स्ट्रेट ऑफ मैगलन, पैसिफिक ओशन का नाम पैसिफिक ओशन कैसे पड़ा, अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाने का रास्ता, इसमें हमने 4 आइसलैंड के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला था गुमाऊ आइसलैंड, दूसरा था सेबू आइसलैंड, तीसरा मैक्टोन आइसलैंड एंड द लास्ट वन इज़ मैलूक आइसलैंड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।